लग रहा है हमें, ऐसा हमारे आसपास मतलब ऐसा होता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। साल दूरस्थ क्षेत्रों में विश्व के मानचित्र में आज हम बेताल घाट को एक दूरस्थ क्षेत्र के उसमें हम अंकित कर किया इवेंट है। जो गाने गाए हैं बहुत अच्छे, फोक सॉन्ग्स हमारे कुमाऊं के बहुत अच्छे सिंगर, और पहाड़ कहीं ना कहीं वापस आबाद होगा इस महोत्सव के, ऐसे महोत्सवों के माध्यम से, यह ऐसी मेरी अपेक्षा है। कर रहे हैं बच्चों के लिए भी अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा ही है। कलाकार तो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और कलाकार मेरी वजह से नहीं, कलाकारों की वजह से मैं हूँ। बहुत मजा आया झूलों में बैठने में भी, और गाने में भी, म्यूजिक में भी, सारे अच्छे लगे एक दूसरे से। हम भी पीछे से हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा काम भी कर रहे हो तुम मौसम में? ये बच्चे लोग करते थे, हम भी पीछे से थोड़े मजे लूटे। तो बच्चे कहाँ, तो तुम बड़े हो गए, बच्चे कहाँ हो? हाँ ये बात भी है। हम नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम है बेताल घाट महोत्सव में, और आज महोत्सव का तीसरा दिन है, और हमारे साथ में है चांदी इंटरप्राइज के मुख्यकर्ता जो कि नवीन टोलिया जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बेताल घाट महोत्सव में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सभी को नमस्कार, और आज बेताल घाट में बहुत ही सुंदर महोत्सव, आज ये तीसरा दिन चल रहा है, और दो दिन तक मैं इसको लाइव भी देख रहा था अपने मोबाइल में। बहुत ही सुंदर महोत्सव हो रहा है, और यहाँ पर आयोजन समिति को बहुत विशेष विशेष बधाई, और मैं इससे 5 साल पूर्व भी यहाँ पे बेताल घाट महोत्सव में आया था, और उसके बाद ये दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। सर आप जैसे कि आपने एक उत्तराखंड संस्कृति का एक बहुत बड़ा मोर्चा संभाला हुआ है, आप तमाम कलाकारों को अपने उसमें लेके आ रहे हैं, चाहे आप पप्पू कार्की जी आज दिवंगत हैं और प्रहलाद मेहरा जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके चैनल में आज भी जीवित हैं, लोग उनको देख पा रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं सर आप इतने उत्तराखंड के सभी कलाकारों का एक परिवार के रूप में समेटने का? वैसे कलाकार तो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और कलाकार मेरी वजह से नहीं, कलाकारों की वजह से मैं हूँ। और आज हमारे जो अमर लोक गायक है पप्पू कार्की, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, और मेरे एक अजीज़ प्रहलाद मेहरा जी, वो इस बीच दिवंगत हो चुके हैं, तो मुझे बहुत ही दुख है इस बात का, क्योंकि ऐसे महान गायक जो है दोबारा आना बहुत मुश्किल है। तो गायकों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही हमारे यहाँ उत्कृष्ट, और जो हमारी परंपराओं में लोक गीतों को जो गीत गाते हैं, मैं उन्हीं को जो है प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। तो सर महोत्सव में आप इस बार भी आए, इससे पहले भी 2019 में भी आए थे, तो भविष्य में हमको और क्या करना चाहिए इस महोत्सव को लेकर, इसके लिए कोई आप क्या कर रहे हैं? वैसे महोत्सव तो अपने उच्च शक्ति को छू चुका है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, हमारे हालसी जी ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे की है, और ऐसी व्यवस्थाएं तो इतने दूरस्थ क्षेत्र में करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने हमको थोड़ा समय दिया, और आगे भी हम बातचीत सर से करते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में इस वक्त बेताल घाट महोत्सव के संयोजक आदरणीय सुरेंद्र हालसी जी, और हम पूछना चाहते हैं अभी तक के 3 बार का महोत्सव हो चुका है हमारा, तो सर कैसा अनुभव है आपका, और आगे क्या करना चाहते हैं इसमें? देखिए इस महोत्सव का जो उद्देश्य था वो क्षेत्र, पहले तो ये था कि क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और हमारे जो रीति रिवाज हैं वो जीवित रहें, और दूसरा उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में वापस हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़े। तो अब हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेताल घाट का विकास हो रहा है, और वो दिख भी रहा है। वो दिख कैसे रहा है, जो जैसे हो क्या रहा था, आज से अगर 5 साल पहले की बात करें जब महोत्सव नहीं होता था, तो लोग नीरस थे, जो लोग प्रवास में थे वो पहाड़ में आने की चेष्टा भी नहीं करते थे। अभी आप सबको लगता है कि यार जब महोत्सव होगा तब बेताल घाट जाएंगे, तब अपने क्षेत्र में जाएंगे, तब अपने पहाड़ में जाएंगे, और पहाड़ कहीं ना कहीं वापस आबाद होगा इस महोत्सव के, ऐसे महोत्सवों के माध्यम से, यह ऐसी मेरी अपेक्षा है, और वो लग भी रहा है, वो दिख भी रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में मेहमान के रूप में, दर्शक के रूप में बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं। तो आप 3 दिन से देख रहे हैं महोत्सव को, आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। तो कैसा अनुभव है आज का? बहुत अच्छा इवेंट है, जो गाने गाए हैं बहुत अच्छे, फोक सॉन्ग्स हमारे कुमाऊं के बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, कौशल पांडे, खुशी जी, बहुत प्यारे उन्होंने गाने गाए, डांस इतना अच्छा करा, एंड
जितने भी मेला लगा हुआ है, बहुत स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इवेंट है। सर क्या अनुभव है आज का आपका? बहुत बढ़िया। देखो संस्कृति को बचाने के लिए जो संस्था ने काम किया है और बेतालघाट का जो नाम मशहूर नाम को जो बिल्कुल पूरे कुमाऊं में पूरे उत्तराखंड में लेके आए हैं वो बहुत बढ़िया प्रयास है। सभी समस्त टीम जो है उसको बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे मेरे मित्र चंडीगढ़ से आए हैं महिपाल नेगी जी, ये भी बड़े उत्साहित हैं कि इस प्रोग्राम को सुने देखें तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें बड़ा एज अ टीम यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बढ़िया। तो हम नेगी से ही पूछते हैं, ये तो खुद एक सदस्य के रूप में भी हैं और एक इस पूरे जो कार्य का उसको संभालने का भी कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम सर से पूछना चाहते हैं आप चंडीगढ़ से यहाँ आए हुए हैं तो आगे क्या हम बेहतर कर सकते हैं इस महोत्सव में? जैसा है मोहित जी, ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है हमारे छोटे भाई सुरेंद्र हालसिंह जी ने की है और हमारा छोटा भाई, हम सन 2002 से चंडीगढ़ में दिल्ली में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं और हमने ये सोचा किस कार्यक्रम को हम अपने गांव की ओर लेके जाएं, ये हमारा प्रयास रहा है और ये हमारी सोच थी और उसमें हम सफल हुए हैं। हम निरंतर 3 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। दूरस्थ क्षेत्रों में विश्व के मानचित्र में आज हम बेतालघाट को एक दूरस्थ क्षेत्र के उसमें हम अंकित किया है और ये हमारा प्रयास हुआ है। तो अंकित जी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता को ये बड़े साथ इतनी देर तक रुकना ये इन लोगों का अट्रैक्शन है, ये लोगों का माध्यम है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बेतालघाट महोत्सव की समिति के जो भी सदस्य हैं जिनने भी अपने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हमारा ये जुनून है और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं निरंतर आ रहा हूँ लगातार। आज मेरी पत्नी, मेरे मित्र, हमारी संस्था के सचिव, ये हमारी संस्था के सचिव थे और एक सुरेंद्र हालसी जी हमारी संस्था में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और उनका जुनून, उनका पागलपन है मैं मानता हूँ। तो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं आपको बहुत ही यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए नमन करता हूँ, बेतालघाट महादेव को नमन करता हूँ कि जो उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम है और बहुत सफल कार्यक्रम है और आगे भी इस काम को सफल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबका आशीर्वाद और सबका प्रेम सौहार्द जो यहाँ मिला है उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेले में इस वक्त जो बच्चे हैं बेतालघाट जैसी में वो वाटर में तैर रहे हैं छोटे छोटे नाव के द्वारा और आगे आप देख सकते हैं झूले यहाँ पे जो इस वक्त तो बड़ा झूला है वो भले ही नहीं आया है लेकिन जो बोट वाला है जो नाव वाला है वो झूला वहाँ पे लगा हुआ है। बाकी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आप गोल चरखे की तरह देख रहे हैं वो झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। सामने जो जैसे दिल्ली जैसे महोत्सव में आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे सभी दिखाई दे रही हैं और जैसे कि सन 2024 वाला है वो सिर्फ 2 दिवसीय मेला 3 दिवसीय मेला होता था लेकिन इस बार 1 दिवस और बढ़ा दिया गया यानी 10 जून तक यह मेला कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं रात के इस वक्त 11 बज चुके हैं, उससे ऊपर हो चुका है टाइम, उसके बावजूद भी आप बेतालघाट की समस्त जनता को देख सकते हैं, पूरे गाँव दूर दराज इलाकों की जनता देख सकते हैं अभी भी इस वक्त पूरे जोर शोर से यहाँ भरा पड़ा। आप देख सकते हैं दर्शकों के रूप में और जो यहाँ मेला देखने के रूप में है वो चारों तरफ पूरा भरा है। लगभग अभी भी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार की पब्लिक इस वक्त है और ये रात को 11 बजे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है एक दुरुस्त इलाके में इतने देर तक महोत्सव में रुकना और कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसे बोल सकते हैं। तो तमाम क्षेत्र के युवा हमारे साथ में, तो कैसा लगा आपको बेतालघाट महोत्सव? बहुत बढ़िया लगा सर, आपसे भी मिलकर खुशी हुई। पहले तो आप नमस्कार को प्रणाम, उसके बाद आज बेतालघाट महोत्सव आने का दोबारा चौथी बार मौका मिल रहा है जो बहुत अच्छा लगा आके। तो जैसी जैसी सिचुएशन के हिसाब से जो अभी मैनेजमेंट है या कुछ भी हो कहीं बुरा लग रहा हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। झूला नहीं आया, ये नहीं आया, जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं पर जो है बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा ही नहीं बहुत से बार से थोड़ा कम है लेकिन फिर हाँ, जनता का प्यार जो है जो जनता का प्यार स्नेह है प्यार जो सारी चीज़ें हैं पर यह है थोड़ा सा इस बार जैसे अभी पहले जो है महोत्सव पहले अभी स्टार नाइट पहले हो गई है फिर पीछे को
आपका मेला वगैरह लगेगा, लेकिन उससे पहले इस जो पिछले साल में था, पहले मेला लगा था उसके बाद होता, वो क्रेज थोड़ा सा बढ़ और घट जाता है, जैसे कि बात हुई थी। पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके भी, हम भी बाहर से ही आ रखे हैं, कोई चंडीगढ़ कोई दिल्ली से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बेताल घाट में इस वक्त महोत्सव में है और हमारे साथ में जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो कैसा लगा आपको बेताल घाट महोत्सव? बहुत अच्छा लगा मोहित भाई, और ऐसे मतलब हर टाइम चलते रहे गर्मियों की छुट्टियों में, और बहुत अच्छा लगता है मेले को देख के। और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी आए, अभी हम झूला झूलने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी देखो हमारे नंबर कब आता है। तो इस बार आपके लिए तो और भी खुशी की बात है, एक दिन महोत्सव और बढ़ गया, कल शायद और भी दुकानें लग रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ऐसा हमारे आस पास मतलब ऐसा होता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। साल में एक बार ऐसी चीजें भी होनी चाहिए, तो होते रहे लगातार ना बच्चों की, तो सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं यहाँ पे, तो भीड़ भीड़ ऐसी होती है, अच्छा लग रहा है अभी हमें काफी। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं अच्छा लग रहा है, देखिए आप पब्लिक जो है पूरी जनता वो यहाँ पे तमाम लोग हैं, पूरा मेले का एंजॉय ले रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग इस चीज़ को, और जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू अपने रूप में आगे वो चालू है। तो हमारे सामने बच्चे हैं यहाँ पे मेला देखने आए, तो कैसा लगा आपको बेताल घाट महोत्सव? काफ़ी शानदार लग रहा है मेले में, और काफ़ी दुकानें लगी यहाँ पे, और घूम रहे हैं बच्चे लोग, लड़ाई कर दे रहे एक दूसरे से, हम भी पीछे से हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा काम भी कर रहे हो तुम महोत्सव में? ये बच्चे लोग करते थे, हम भी पीछे से थोड़े मजे लूटे। बच्चे कहाँ, तो तुम बड़े हो गए, बच्चे कहाँ हो? हाँ ये बात भी है, हम समझाते भी हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम भी कर रहे हो लड़ाई? हम भी कर रहे हैं लड़ाई। ये देखो बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, हल्की फुल्की छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। बेताल घाट महोत्सव की अगर हम खास बात देखें तो यहाँ पुरुषों से ज़्यादा जो मात्र शक्ति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रात को 11 जो है टाइम हो चुका है, उसके बाद भी मात्र शक्ति जो है पूरे दिन काम करने के बाद में यहाँ रात को मेला देखने के लिए इस वक्त बैठी है। आप देखते हैं भारी मात्रा में जो मातृ शक्ति है वो इस बेताल घाट महोत्सव में आई हुई हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी देर तक जो यहाँ की मातृ शक्ति हैं, दूर दराज के लोग हैं, वो यहाँ पर मेले का अनुभव ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा आपको बेताल घाट महोत्सव? बढ़िया लगा है, क्योंकि साल में एक बार बेताल घाट महोत्सव हो रहा है, एक मतलब सब लोगों का मिलजुल के एक सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा ही है। अच्छा सब लोगों को भी घूमने का मौका मिल रहा है थोड़ा, क्योंकि इधर उधर हम लोग मेले में जा नहीं पाते हैं ज़्यादातर, यहीं पर नज़दीक में हमारे वहाँ पे हमारे शहर में हमको यहाँ पे मेले का वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग वीडियो के थ्रू जो बाहर लोगों को दिखा रहे हैं, तो बस कोई लागो रहो कोई बिता लोग बहुत बढ़िया लागो, बढ़िया बहुत अच्छे लागो। अच्छा हाँ। क्योंकि अब आता ठुठ शहरों में कोती खुची, आज पहली बार हमें बेताल घाट में लाग रही है। हाँ बढ़िया लागो, बढ़िया लागो। कैसा लगा आपको बेताल घाट महोत्सव? अच्छा लगा, अच्छा लगा। कैसा लगा बेताल घाट? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग यहाँ आके, बड़ा मजा आ रहा है। आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, झूलों में बैठने में भी और गाने में भी, म्यूजिक में भी, सारे अच्छे लगे।